इधर से भी दीवार है, सेंटर में इस तरह का गेट लगा हुआ है, एक कोने में नहीं नहीं सेंटर में, सेंटर में। अच्छा जी, इस तरह का जैसे ये है ना, ये एक प्लग टूटा है ना, हाँ। वो सेंटर में दोनों खुल जाते हैं और ले रहा है। अच्छा, उसको क्या है वो ना, भाभी नादिया की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने मना किया कि सीढ़ियों वाले मकान छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक है, अल्लाह पाक का करम है। आप लोग की दुआएं तो सुबह का टाइम है, हमारी सुबह की रूटीन होती है शुरू और चलते अपनी रूटीन की तरफ। और उन लोग के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक हुसैन औलाद नौरीना अता फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो भी लोग जो है हमारा हो गया शुरू सुबह का, और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो जो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है, रहना हमारे साथ। इधर जो है ना बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, इधर हमारा आटा गूंदा जा रहा है। ओ सॉरी यार, साथ में इधर तो शूज़ नहीं उतारते ना, शूज इधर बाहर रखने चाहिए। और इधर हमारी चाय चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर, और इसको चेक करते हैं ये जो है ना नीचे ना गिर जाए। दूध अभी गर्म होने वाला है, इसमें मैंने चीनी पत्ती नहीं डाली है, तो इसमें चीनी पत्ती डालेंगे। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? चलो अभी तैयारी करो, कपड़े वगैरह चेंज करो, ये आपके कपड़े सही नहीं है, ठीक है? उसको दो ना, उसका सूट इसको दो, दे दो इनको भी दे दो। चलो जिसका है उसको दे दो, नूरुद्दीन के ज्यादा गंदे हुए पड़े हैं। वर्दियां नहीं है क्या? वर्दियां नहीं पहन के जाते थे, ऐसे कपड़े पहन के जाते थे। चलो जल्दी से चेंज कर लो, अच्छे से ना फिर से धो लो नूरुद्दीन, हाथ और मुंह धो लो, दूध लगा हुआ है मीठा, फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे। बच्चे जो है ना वो थे मेरे पास, सहबा और असलम जो है ना वो चले गए थे अलीपुर में, अलीपुर में आपने देखा होगा उधर उनके भी लोग भी देखे होंगे, और वो जो है ना इसलिए चले गए थे कि आईडी कार्ड बनवाना था, सहबा का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था, और इस वजह से जो है ना बच्चों की बहुत परेशानी हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई की परेशानी हो रही थी। काम कम डालना, कम डालो, अभी इधर रात वाला भी पड़ा है, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल पढ़ते हैं तो उनका आपको पता है कि बेफरम ज़रूरी होना चाहिए, बेफरम नहीं होता तो बच्चों का कोई ना दाखला होता है ना फिर पढ़ाई होती है, तो इसलिए इनका आईडी कार्ड जो है ना नहीं बना हुआ था और बच्चे ऐसे पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो है ना बख्तावर तीसरी क्लास में हो गया है और इस्लामुद्दीन आप वन क्लास में हो गया, टू में, नूरुद्दीन वन में हो गया। अच्छा जी, बख्तावर तीसरी जमात में है, इस्लामुद्दीन दूसरी में और नूरुद्दीन वन में, इसलिए उनका बेफरम ज़रूरी होना है। बेफरम टीचर कहती है लेकर आओ तो फिर आपको हम दाखिल करेंगे, तो इसलिए वो चले गए थे उधर। और बच्चों की जो है ना अभी छुट्टियां वगैरह नहीं हुई हैं, वो मेरे पास थे, तो हम बहने हैं और बच्चे जो है ना वो भी हमारे एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और जो है ना झगड़ा वगैरह नहीं करते, रोते नहीं हैं, तो इसलिए ना मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे बच्चे सहबा के पास होते हैं, जब सहबा कहीं जाती है तो उसके बच्चे मेरे पास होते हैं। माशाल्लाह मेरे तो बच्चों का कब का बेफरम बना हुआ, मेरा एहसान है अभी छोटा 3 साल का हो गया मेरा एहसान, लेकिन मैंने उसका भी बेफरम बनवा दिया है। मैंने कहा एक साथ ना जब गए थे बनवाने के लिए, उस वक्त आमना का और जैनब का और एहसान का बनवाना था, फिर मैंने कहा कि इन तीनों का जो है ना बनवा लेते हैं,
फिर उधर से उसका बन गया था। और पहले जो है ना मौजा मलिक का और सवेरा का मैरान का उनका भी बना हुआ था, लेकिन जब हम और बच्चों का बनवाने के लिए गए थे तो उधर नादरा दफ्तर वालों ने कहा था जिन बच्चों का पहले बना हुआ है वो भी हमें चाहिए, तो हम साथ नहीं लेकर गए थे। उधर जो है ना हमारे शनाख्ती कार्ड जो है ना वो अलीपुर से हैं, तो फिर मैंने वापस साहिबा को कॉल की, इधर घर पड़े थे उन्होंने, मैंने कहा व्हाट्सएप पे ना उसकी फ़ोटो खींच के भिजवा दो, उन्होंने फिर भिजवा दी। उधर से हमने फ़ोटो उसकी निकलवा ली तो उनको दे दिया, उन्होंने फिर पांच माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं पांचों का एक ही बना दिया है बेफरम। एक ही लिस्ट उन्होंने निकाली थी कि ये पांचों के छठों के छः थे माशाल्लाह, छठों के जो है ना ये काम आ जाएगा, एक एक का अलग नहीं होता। तो तरतीब में जितनी उसकी होती है ना वो उम्र भी वैसे होती है, माँ बाप हम वही ठीक है, तो इसलिए बच्चों का जो है ना एक ही फार्म उन्होंने निकाल दिया था। फिर हर साल जो है ना जब न्यू दाखिले होते हैं तो उनका जो है ना वो नकल मैं निकाल के रखती हूँ, ओरिजिनल वाला जो है ना वो मैंने साम के रखा है, और नकलें जो है ना वो चार पाँच छः हर साल मैं उतूँ उनकी नकलें निकलवा के ना शाम के रख देती हूँ। फिर जब भी न्यू दाखिले होते हैं न्यू क्लासें चेंज होती है तो एक एक बच्चे को मैं उठा के दे देती हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी ठीक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी करे, इनके नसीब अच्छे करे। तो हमारे माँ बाप की दुआएं, तमाम देखने वाले बच्चों के लिए दुआएं, तमाम बच्चों की जिनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं अल्लाह पाक उसको पढ़ाइयों में कामयाब करे, और जिसकी नौकरी की मुश्किलात आ रही है परेशानी आ रही है तो अल्लाह पाक उनकी कोई सबब बना दे और उनकी जल्दी से ना नौकरियाँ लग जाएँ। तो हर वक्त हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इंशाल्लाह दिलों के राज जानता है, जो दिल में होता है वो अल्लाह पाक जानता है, हर किसी के ख्वाब अल्लाह पाक इंशाल्लाह पूरे करेगा। चाय जो है ना अभी मेरी बन रही है, पत्ती मैंने डाल दी माशाल्लाह जी, हाजरा भी आ चुकी है, ऐसे पसीना आप भी से आ चुका है, और साथ में भाई भी आ चुका है। अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जबरदस्त। भाभी का सुनाएं, ड्रिप पे वगैरह लगी रही थी? कुछ बेहतर है ड्रिप लगवाने से माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। तो बाकी घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है, वैसे गर्मियों की वजह से ना मोशन वगैरह तो है, मुझे भी मोशन लगे हुए हैं दो तीन दिन से जी, कभी मैदा खराब इस तरह ना, सही वैसे ठीक है। गर्मियाँ भी हैं, ऊपर से कुछ पानी की भी चेंजमेंट होगी है ना, और वैसे भी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कभी कैसे थी कभी कैसे थी। अभी डॉक्टर ने कहा सीढ़ियों वाला मकान पे उतर जाओ। हाँ वो सीढ़ियों पे आती जाती रहती है ना, इसलिए फिर कल और देख के आया हूँ। हाँ उसके दो कमरे हैं। अच्छा ये है ना? हाँ इस तरह के ये के सामने पे दरवाजा है, दो कमरे ठीक, उसके आगे बरामदा है, सात गाटर डाले हुए हैं बरामदा में, बड़ा है इतना बड़ा, और कमरे भी दो है ना उसमें बराबर है बड़े। अच्छा, और सामने जो वो बरामदा है वो इसी हिसाब का है कि दीवार है, इधर से भी दीवार है, सेंटर में इस तरह का गेट लगा हुआ है एक कोने में, नहीं नहीं सेंटर में, सेंटर में। अच्छा जी, इस तरह का जैसे ये है ना, ये एक प्लग खुलता है ना, हाँ। वो सेंटर में दोनों खुल जाते हैं, जैसे आपका गेट है इतना बड़ा गेट है वो वाला सेंटर में, सही। और है इस तरह जाली वाला ठीक, यानी कि वो बंद करे तो आपका घर बंद हो जाएगा मुकम्मल, मेन गेट बंद करे तो आगे, और सेकंड फ्लोर आगे वाला वो भी वो जैसे आपका ये किचन है ना, हाँ। इस किचन के साइज से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि वो भी दो कमरे तो बड़ा इतना बड़ा है, यानी कि 10-12 चार पे डाल दो सकून से। वो नीचे वाला है? हाँ नीचे है वो भी, उधर है नहीं? हाँ ये वो इधर है, ये जो स्टेशन क्रॉस करते है ना, हाँ आगे जो मस्जिद आती है, हाँ ये कोने वाली, हाँ हाँ, जहाँ पर ये गाड़ी वगैरह भी खड़ी होती है बाहर दरख्त के नीचे, हाँ खड़ी है वो गाड़ी, वो ही गली है आगे पहला मकान है, सही। दो मकान ऐसे लगते हैं जैसे न्यू बने हुए हैं वो सही है, आपको पसंद आ गया? हाँ वैसे पसंद है, उधर वरना रेंट वाले रह रहे हैं अभी, जो कि हम घर देखने गए थे ना रेंट के लिए, उधर रेंट वाले रहते थे, उनको उन्होंने भगा दिया,
कि हमने जगह जो है ना बनानी है, फिर हमने कहा देखते हैं कि बनानी है या वैसे उन्होंने उसको भगा दिया। सही। तो उधर गए तो जगह बन रही थी, यानी कि उसकी चार दीवारें वगैरह आपने देखा होगा जब वो मिसबा की शादी थी और जवान वगैरह बैठा था जिस मकान में वो हम देखने गए थे असल अच्छा। फिर उधर जो किराएदार बैठे थे वो किराएदार उस मकान में बैठे हैं जो कल हम देख के आए, उनको टाइम दिया है 5-10 दिन में ना ये काम कंप्लीट हो जाएगा, वो फिर इधर वापस आ जाएगी, फिर उधर आप चले जाएंगे। हाँ, फिर उधर हम चले जाएंगे। सही है, चलो जी ये भी गप शप हो गई है भाई से। और नाश्ता करना है, चाय बन रही है। करना मैंने कहा डेली आता हूँ, चक्कर वगैरह नहीं लगाता, चलो चक्कर लगा के चलता। हाँ हाजरा आ जाती है, मैंने कहा किस किसके साथ है, कहती है अबू के साथ आई हूँ। वो इसका सब लेट होता है ना। आ रहे हैं, कई वो दूसरी दंदा लीजिए, कई माशाल्लाह जी। जैसे आपने देखा था कि भाई अक्रम आए हुए थे, उनके साथ जो है गपशप लगा दिया है, और भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी पूछा है, उनसे पता किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, क्योंकि हम भी इधर कुछ मसरूफ थे और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो और मेरे हमारे पास जो है सवारी वगैरह भी नहीं है कि चल के उसका पता करके आ जाए, तो अल्लाह पाक खैर करे। भाई कह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक है और जगह जो है ना वो भी चेंज कर रहे हैं। ये वाला था छोटे था, दूसरा हमने बताया देखे आए थे। हाँ, वो वाला हमने घर वहाँ भी था, वहाँ से तो ना ठीक है जी, वहाँ से तो ना। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, कुछ कर रहे हैं, और मैं रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी। बतावर एक टोकरी उठा लो, उस टोकरी में सारे टिफिन जो रोटी वाले हैं वो डाल के फिर ले आओ इधर, मैं रोटी बना लो जल्दी जल्दी, छोटी टोकरी मुझे ले लो, ये लो जल्दी करो जल्दी, टाइम बहुत कम रहेगा। आप थोड़ा इधर साइड छोड़ जाओ, इधर बक्का और बैठ के ना वो टिफिन पैक करेगी, जूता भी उतार दिया करो, चटाई के ऊपर ना मटेरियल लगी चले। ठीक है जी, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, और बच्चों जो बच्चे जो हैं वो रेडी बैठे हैं, टिफिन वगैरह पैक कर लें, तो फिर आगे की जो रूटीन होती, जो घर की काम होते हैं, जो घर की रूटीन होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, दोपहर हो चुकी है और नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है, तो नहा धो के फ्रेश हो के काला सूट ला के मैं जो है ना बैठ चुका हूँ, नाश्ता भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जी देखें डोले साहब दी ग्रेट को देखें जी, क्या है डोले, हाँ क्या कड़ कोई मसले दा हल माया, कड़ कोई मसले दा हल माया। लाइट जो है चली गई है जी, अंधेरा हो चुका है, अभी लाइट ने जाना था जी, बड़ी देर हो गई थी लाइट को यहाँ रुके हुए, तो अब चली गई है, इनको बहुत जल्दी होती है लाइट को बंद होने के लिए। पाकिस्तान है जी, पाकिस्तानी बिजली गुड वर्क करते हैं, गुड वर्क। प्यारे बहन भाइयों, दोपहर हो चुकी है और नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है, तो नहा धो के फ्रेश हो के काला सूट ला के मैं जो है ना बैठ चुका हूँ, नाश्ता भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जी देखें डोले साहब दी ग्रेट को देखें जी, क्या है डोले, हाँ कड कोई मसले दा हल माया, कड कोई मसले दा हल माया। लाइट जो है चली गई है जी, अंधेरा हो चुका है,
अभी लाइट ने जाना था जी, बड़ी देर हो गई थी लाइट को यहाँ रुके हुए, तो अब चली गई है। इनको बहुत जल्दी होती है लाइट को बंद होने के लिए। पाकिस्तान है जी, पाकिस्तानी बिजली गुड वर्क करते हैं, गुड वर्क। खैर बहन भाई, जाना है सिटी के काम के सिलसिले में, तो मामू को भी साथ जो है ना लेके जाना है। जाएंगे प्राइडर पर, भाइयों दीन का प्राइडर चलाएंगे और जाएंगे खानपुर शहर। काम है, काम करके फिर वापस आएंगे। तो यहाँ पर हम भी करेट सोए हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सियात ठीक है? करें तैयारी पे चले? हो गई तैयारी तेरी? हाँ तो फिट हो गया है ना। हाँ बस, क्या टाइम है अभी? टाइम 40 मिनट बस, फिर चला गए। 40 दो बार के बैडमिंटन चला गया। ओके हो गया, ओके हो गया। फिर जी मामू को बता दिया है, फिर जाएंगे खानपुर। गर्मी की कंडीशन ये है कि ये वो देखें, वो बंदे देखें, बोर चल रहा है, ट्यूबवेल वहाँ पे नहा रहे हैं गर्मी की वजह से ना हर बंदा। हवा भी बिल्कुल बंद है, बादल भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत बने हुए हैं। गर्मी इसी वजह से शाम तक शायद कोई हवा वगैरह चले, तो ये भी है जो हो सकता है। ये ना बहुत से बंदे हैं जो कह रहे हैं जी घर की सफाई करें, घर की सफाई करें। डेली जो सफाई होती है और क्या सफाई करें, तो मालिश करें, उसको पालिश करें, क्या करें। खाली सीमेंट का घर है ऐसे ही है, होती रहती है वो। बिस्मिल्लाह करें। मैं तां लख वारी बिस्मिल्लाह करा, माड़ा है तां माड़ा सियार जो है। किधर है थी? अच्छा क्या बोल रहा था अकरम भाई, क्या बोल रहा था? और मकान ले रहा है? जगह और ले रहा है। अच्छा उसको क्या है? वो ना भाभी नादिया की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने मना किया कि सीढ़ियों वाले मकान छोड़ दें, नीचे वाले ले। हाँ ये भी है बात, ये भी बात है करने वाली। हाँ, फिर उन्होंने कहा मकान देखे हैं इधर जो मदनी मस्जिद है ना, मदनी मस्जिद ये है ना, वो स्टेशन वाली। कौन सी स्टेशन वाली? और है उसके साथ है। अच्छा दो मकान है, बरामदा है, नीचे वाला पोशिंग वाला। अच्छा वो कह रहा है कि ले रहे हैं। लाइट आ गई? लाइट आ गई है अभी। गई है जी सुबह से लेकर आज तक कितनी चक्कर उन्होंने लगा दिए। चक्कर लगा दिए हैं? चलें जी वो आए हैं, फिर जाना है मैंने सिटी, हमने जाना है। ओके हो गया जी। चलो जी लाइट वापस आ चुकी है। और इधर क्या गत्ता क्यों उतार दिया उसका? हवा के लिए, रोशनी के लिए। ये गत्ता ख़राब नहीं करना, फिर उधर दरी में लगाना है, ये गत्ते लगाने पड़ते हैं बेचारे। शीशे मीशे कोई लग जाते तो सही था, उसकी फुर्सत नहीं है शीशे मीशे लगने की। हाँ नहा धो के फ्रेश हो गई हो? अच्छा अब नींद आ रही है, सो जाओ रेस्ट कर लो। हाँ गर्मी है, दोपहर को सोया करो। कलूला जिसको कहते हैं, कलूला कलूला कर लिया करो। ठीक है वह पुल्ले पुल्ले ये जी मैंने रखी हुई है बैटरी, पक्का शक्का चला लेते हैं, बिजली जाती है गर्मी ज़्यादा ना हो इसलिए।
फिर बैटरी को चार्ज भी करते हैं पूरे 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 सही है ना जी। अकरम खान की परेशानी बढ़ गई है जी, वो और फिर मकान लेने पड़ गए हैं उनको। अल्लाह खैर करे, बेस्ट ऑफ लक, दुआ करते हैं। पानी रखा है, ये पानी रखा है। हंदी हंदी वाह, ढोलन वाह, हंदी हंदी वो पी रही, बक्तावर पानी पी रही है वो।